हेलो स्टूडेंट, डी एंड जे अकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे क्लास नाइन्थ के चैप्टर वन के एग्जांपल नंबर 21 पर डिस्कस करेंगे। देखिए एग्जांपल नंबर 21 क्या बोलता है, सिंप्लीफाई मीन्स आपको जो फोर क्वेश्चन देके रखे उसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। जैसा कि मैंने आपको बेसिक बताया था इसका लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स की सहायता से ही हम इन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। जैसे कि हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास में है कि 2 की पावर कितनी है, 2/3 है एंड इनटू में क्या है, 2 की पावर जो है हमारे पास में 1/3 है। मींस यहां पर एक लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स लग रहा है, तो लॉ ऑफ जो एक्सपोनेंट लग रहा है वो कौन सा लग रहा है, देखिए हमारे पास में ये बेस इक्वल है और पावर क्या है हमारे पास में, डिफरेंट है, मीन्स अलग अलग है। तो बेस इक्वल है तो पावर क्या हो जाएगी, प्लस। मीन्स हमारे पास यहाँ पर जो एक लग रहा है वो क्या लग रहा है, a की पावर m इंटू a की पावर n है। तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, a की पावर m प्लस n लिख सकते हैं, सिंस करके हमारे पास जो एक फॉर्मूला था, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट था। अब इसको इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे, मीन्स a तो 2 हो गया और m की वैल्यूज 2/3 एंड n की वैल्यूज 1/3 हो गया। तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए 2 की पावर 2/3 है और इंटू में क्या है, 2 की पावर जो हमारे पास में 1/3 है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a मीन्स 2, तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 2/3 और प्लस कितना हो जाएगा, 1/3। अब देखिए अब इसकी पावर को कैसे सॉल्व करेंगे उसको हम समझते हैं। अब इसकी पावर को सॉल्व करेंगे तो 2 की पावर क्या हो जाएगी, देखिए अब इन दोनों का क्या है हमारे पास में, जो डिनोमिनेटर है वो क्या है, सेम है। अब डिनोमिनेटर सेम है तो इसका एलसीएम भी क्या आएगा हमारे पास में, वही का वही आएगा जो आपको डिनोमिनेटर में देके रखा है। मीन्स यहाँ पर इसका जो एलसीएम आएगा वो क्या आएगा, 3 आएगा। एंड देन हमारे पास में क्या होगा, इसकी जो प्रोसेस ये होती है कि ये जो 3 का डिवाइड 3 में लगाते हैं, मीन्स पहले लगाते हैं डिवाइड फिर करते हैं इनटू। मीन्स क्या होगा हमारे पास में, 3 का डिवाइड 3 में लगाएंगे कितने टाइम, क्या 1 टाइम, और 1 का मल्टीप्लाई किससे में करेंगे, इसी के न्यूमरेटर में। तो न्यूमरेटर क्या है हमारे पास में, 2 है, तो 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 1 का, तो 2 1 क्या हो जाएगा, 2, और ये प्लस का क्या रहेगा, प्लस ही रहेगा। एंड देन अब यही प्रोसेस, 3 पहले लगाएंगे डिवाइड देन हम क्या करेंगे इनटू, पहले लगाएंगे डिवाइड देन हम क्या करेंगे इनटू, मीन्स 3 का डिवाइड 3 में लगाएंगे कितने टाइम गया, 1 टाइम गया, ठीक। 3 1 जा 3, फिर 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 1 1 जा 1। अब देखिए 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 2 प्लस 1 करेंगे तो 3, और 3 अपॉन में क्या हो जाएगा, 3। मीन्स क्या होगा, 3 से 3 कैंसिल, और याद रखना कि ये कैंसिलेशन कैसे होता है, किसी भी एक ही नंबर से ऊपर भी कैंसिलेशन होगा और नीचे भी होगा, मीन्स 3 1 जा 3 और 3 1 जा 3। तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी हमारे पास में, 1 अपॉन 1 मीन्स 1 लिख सकते हैं, और 2 की पावर 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 2, क्योंकि 2 की पावर 1 मीन्स 2 1 जा 2 ही रहेगा। मीन्स क्या होगा कि उसको 1 टाइम ही मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 की पावर 1 लिखो चाहे 2 लिखो, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा हमारे पास में, सेम दोनों आंसर ही क्या रहेंगे हमारे पास में, राइट रहेंगे। मीन्स इसका जो आंसर आया वो कितना आ गया, 2 आ गया। 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/3 का जो आंसर आया वो कितना आया, 2 आया, ठीक। वो भी किसकी सहायता से किया हम लोगों ने, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स की सहायता से, ठीक है। अब इसके बाद जो हम लोग सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे वो देखिए कैसे करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, 3 की पावर 1/5 है और होल पावर कितनी है, वो हमारे पास में 4 है। अब इस टाइप का भी लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स हम लोगों ने पढ़ा है, मींस कैसे पढ़ा, देखिए हमारे पास में a की पावर m है और होल पावर क्या है, n है। मींस यहां पर भी ऐसे दिया है आपको, देखो a मींस 3, m मींस 1/5, n मींस 4। मींस यहां पर 3 की पावर 1/5 है और होल पावर कितनी है, 4। तो मैंने आपको इसका क्या सॉल्यूशन बताया था कि a की पावर m और होल पावर n है, तो क्या होगा, पावर टू पावर मल्टीप्लाई मींस a की पावर m इनटू n हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर भी यही रूल लगेगा, मतलब कैसे होगा, देखिए हमारे पास में 3 की पावर क्या हो जाएगा, 3 की होल पावर में इन दो पावर का मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, 1/5 इनटू 4, मींस कितना हो जाएगा, 3 की पावर कितनी हो जाएगी, 4 1 जा 4, 4 बाय कितना हो जाएगा, 5। 3 की पावर कितनी हो जाएगी हमारे पास में, 4/5, इसका क्या हो जाएगा आंसर। अब इसके आगे तो इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि 3 के कोई फैक्टर नहीं निकलेंगे, तो इसलिए इसका क्या होगा, 3 की पावर 1/5 और होल पावर 4 का जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 3 की पावर 4/5 ही आंसर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो थर्ड क्या बोलता है, थर्ड क्वेश्चन क्या है, 7 की पावर क्या है, 1/5 है और यहां पर भी 7 की पावर क्या है, 1/3 है। अच्छा इस टाइप का भी लॉ ऑफ एक्सपोनेंट हम लोगों ने पढ़ा है, तो इसके देखिए कैसे कौन सा वाला लग रहा है, देखिए मैंने जैसे कि आपको बताया है कि a की पावर क्या है, m है और a की पावर क्या है, n है। तो इस टाइप से जो मैंने बताया था जो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, इसका आंसर जो क्या आया था, a की पावर m माइनस n आया था, ठीक है बच्चों। तो
तो अब यहां पर देखिए हमारे पास में a की पावर m माइनस एन आया, मीन्स इसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे तो a की वैल्यूज क्या होगी 7 और m की वैल्यूज 1/5, a की वैल्यूज तो 7 ही है और n की वैल्यूज कितनी हो जाएगी 1/3 हो जाएगी, ठीक है। तो यहां पर देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, अब 7 की पावर 1/5 है तो यहां पर इसको डायरेक्टली इसको हम अगर सॉल्व करेंगे तो कैसे होगा, देखिए 7 की पावर 1/5 हो गया और अपॉन में 7 की पावर कितना हो गया 1/3, इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, ए की पावर एम माइनस एन है मीन्स ए मीन्स 7 है, 7 की पावर कितनी हो जाएगी एम मीन्स 1/5 और माइनस कितना हो जाएगा 1/3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 हो गया, अब 7 की पावर 1/5 और 1/3 है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर हमारे पास में क्या है 5 और 3, इसके एलसीएम लेंगे। अब एलसीएम लेने के लिए हमारे पास में क्या होगा, देखो एलसीएम लेने का तरीका जो होगा हमारे पास में, एलसीएम कैसे लेंगे, देखो 5 और 3 का एलसीएम हम ऐसे लेंगे, सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि स्मॉल नंबर से डिवाइड जा रहा है कि 2 से जा रहा है कि नहीं जा रहा, क्योंकि 3 और 5 है तो हम 3 से देंगे, तो 3 से देंगे तो 5 में नहीं जा रहा, तो जैसा कहा साहब 5 और 3 वन जा 3, फिर 5 से जा रहा 5 वन जा 5 और ये 1 आ गया, मीन्स जब तक रिमाइंडर 1 नहीं बचेगा तब तक आपको डिवाइड देना है। मीन्स यहाँ पर क्या हुआ कि जो 3 और 5 का जो हमारे पास में क्या एलसीएम आया वो कितना आया, 5 3 15, कितना आया इसका एलसीएम 15 आ गया। अब 15 एलसीएम आ गया तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 15 इसका एलसीएम आ गया, फिर प्रोसेस वही रहेगी हमारे पास में कि इस 5 का डिवाइड लगाएंगे किस में, 15 में, मींस पहले लगाएंगे डिवाइड देन हम क्या करेंगे इसका मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 3 कितना हो जाएगा 15 और 5 3 15 हो जाएगा और फिर इसका 3 जो आया है डिवाइड लगाने पर उसका मल्टीप्लाई इसी के न्यूमरेटर में करेंगे तो 3 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, फिर वही प्रोसेस पहले लगाएंगे डिवाइड देन हम क्या करेंगे इनटू 3 का डिवाइड हम 15 में लगाएंगे, कितने टाइम जाएगा 5 टाइम, 3 5 15 और कितना हो जाएगा 5 1 5, ठीक है। अब देखिए यहां पर 7 की पावर कितना हो जाएगा, यहां पर आप समझिएगा ये 3 काय में है प्लस में है और 5 काय में है माइनस में, मींस प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, अब प्लस माइनस क्या होगा माइनस होगा, मींस बिग नंबर में से स्मॉल नंबर माइनस होगा, 5 में से 3 माइनस होगा तो कितना बचेगा 2, बट साइन कौन सा आएगा बिग नंबर साइन आएगा, कौन सा साइन आएगा बिग नंबर साइन, मींस हमारे पास में बिग नंबर क्या है 5 तो उसके सामने माइनस है तो यहां पर कितना आ जाएगा माइनस का 2 अपॉन में कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। अब आंसर हमारा ये भी हो सकता है या फिर इसको अब आंसर में कैसे लिख सकते, देखो जैसे यहां पर पावर का है माइनस में तो जब भी पावर को प्लस में बनाना होता है तो उसको हम 1 के अपॉन में लिख देते हैं, कैसे जैसे हम इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन में 7 की पावर कितना लिख सकते हैं 2 अपॉन में 15 लिख सकते हैं, मींस हमारे पास जो 7 की पावर 1/3 का जो आंसर आया वो कितना आया 1 अपॉन में 7 की पावर 2 अपॉन 15 आया, ठीक है। इसके बाद में हम फोर्थ क्वेश्चन को देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास जो फोर्थ क्वेश्चन है वो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए 13 की पावर कितना है 1/5 इंटू में 17 की पावर कितनी है हमारे पास में 1/5, 17 की पावर कितनी है 1/5 है। अब इसको सॉल्व करने के लिए देखिए हमारे पास में कैसे होगा, यहां पर आप देख रहे होंगे कि इसकी पावर क्या है सेम है बट यहां पर इसका बेस क्या है डिफरेंट, तो मैंने इस टाइप का भी आपको लॉ ऑफ एक्सपोनेंट बताया, जैसे कि हमारे पास में क्या होता है ए की पावर एम है और यहां पर बी की पावर भी क्या है एम है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं ए बी पूरे होल पावर कितना लिख सकते हैं एम, मींस यहां पर क्या है बेस डिफरेंट है बट पावर क्या है सेम है, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं उसको 1 पावर में लिख सकते हैं। कैसे आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए यहां पर क्या होगा ए इंटू बी हो गया, मींस क्या हो गया देखिए यहां पर 13 की पावर 1/5 है इंटू में 17 की पावर कितना है 1/5 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं ए बी का इंटू हो गया, मीन्स ए की वैल्यूज 13 एंड बी की वैल्यूज कितनी है 17, तो यहां पर कितना हो जाएगा 13 इंटू 17 और होल पावर कितनी हो जाएगी 1/5 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम 13 का मल्टीप्लाई करेंगे 17 में, तो देखिए इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे हम लोग, यहां पर मल्टीप्लाई करते हैं इसको, तो हम लोग करेंगे 13 इंटू 17 करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो 17 3 कितना हो जाएगा 51 और 51 का कितना हो जाएगा 1 और फिर कैरी ऑन कितना हो जाएगा 5, 17 1 17 17 और 5 कितना हो जाएगा हमारे पास में 22 हो जाएगा, 2 2 1 क्या आ गया इसका मल्टीप्लीकेशन आ गया, अब 2 2 1 आ गया तो 2 2 1 की पावर कितनी हो जाएगी 1/5 हो गया। अब इसको आप आपको सॉल्व करना है तो इसके फैक्टर निकाल भी सकते हैं और नहीं भी निकाले तो आंसर इसका ये यहाँ पर भी आप करोगे तो आंसर इसको माना जाएगा, क्यों, क्योंकि इसके फैक्टर निकालने जाएंगे तो हम ये देख रहे हैं कि 13 के फैक्टर क्या निकलेंगे, क्योंकि ये हमारे पास में क्या है जो ये प्राइम नंबर है, अब प्राइम नंबर है हमारे पास में
तो प्राइम नंबर है तो प्राइम नंबर के फैक्टर जो हमारे पास में क्या होंगे, वन हो गए, और उसके अलावा क्या होगा हमारे पास में, वो इटसेल्फ होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि 13 के फैक्टर क्या होंगे, वन और 13 ही होगा, 17 का भी वन और 13 होगा, मीन्स यहाँ क्या होगा कि 221 के फैक्टर भी हम लोग नहीं निकाल सकते हैं। तो हमारा आंसर यहीं पर ही हमारे पास में क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। मीन्स जो 13 की पावर 1/5 × 17 की पावर 1/5 का जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 221 की पावर कितना आ जाएगा, 1/5। तो आई होप आपको ये एग्जाम्पल नंबर 21 आपको समझ में आया होगा। तो आप आपके जो फ्रेंड्स हैं उनको शेयर कर सकते हो।